दोस्तों, यह वीडियो मैं खास तौर पर आप लोग के लिए बना रहा हूँ। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी ज़्यादातर हमारे जो चैनल पे हैं इलेक्ट्रिक दुकानदार ही सब्सक्राइबर हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉप खोल रखे हैं, इसी तरह के ज़्यादातर लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो देख करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, और फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हम लोग को कॉल करते हैं, फिर हमको बीच में जा करके कहना पड़ता है, तो बहुत लोगों का पैसा बच जाता है। और बहुत लोग जैसे उल्टा सीधा जगह पर दे दिए होते हैं, तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो भी इलेक्ट्रिक सामान कहीं से भी खरीदना हो, चाहे किसी भी फैक्ट्री का वीडियो देख रहे हैं, किसी भी शॉप का वीडियो देख रहे हैं, तो इसी के बारे में मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आप सामान मंगाएं जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो और आप अच्छे जगह पे सेफ जगह से आप सामान मंगा पाएं और अपना इलेक्ट्रिक दुकान अच्छा से चला पाएं, अपने बिजनेस कारोबार को अच्छे से बढ़ा पाएं। तो पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सारी वीडियो देखते हैं आप लोग, मिशन वाली वीडियो रहती है उसको आप लोग नहीं देखते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप कभी भी नहीं फंसेंगे अगर आपको कहीं भी बाहर से सामान मंगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आप वीडियो देखते हैं और वीडियो देख करके डायरेक्ट कॉल करते हैं, उससे जो भी कोटेशन होता है मंगाते हैं, कौन कौन सा आइटम क्या रेट का पड़ जाता है, वीडियो में कुछ और आप रेट देखते हैं, कुछ लोग रेट कुछ और भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, आप वीडियो देखें तो सबसे पहले आप कोटेशन मंगा लिए, ठीक है, देख लिए रेट, देख लिए रेट आपको जो अगर पसंद आ रहा है और उस दुकानदार को उससे आपका जान पहचान नहीं है, आप डायरेक्ट उसको पैसा भेज देंगे। तो देखिए, मैं सबको तो नहीं कह सकता हूँ कि सारे लोग खराब हैं, सारे लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन कुछ परसेंट उसमें से 10-20% ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ धोखा करते हैं और आपको पैसा भेज देते हैं और आपका माल नहीं भेजते हैं लोग, जिससे आप लोग फिर फंस जाते हैं और बाद में हम लोग को कॉल करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। और वही आप लोग पहले कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर इस हम लोग का हर जगह दिया हुआ है, आपका अबाउट में, हमारे चैनल के अबाउट में भी हमारा नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपको सामान मंगाना रहता है तो उस टाइम आप फ़ोन नहीं करते हैं, क्योंकि कमीशन खा लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सब समझ रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी सामान मंगाना हो, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करें आप, जो अगर आप नहीं जाने के योग्य हैं तो कोशिश करें कि पहली बार एक बार ज़रूर वहाँ पर जाएँ और उस शॉप पर विजिट करें या उस फैक्ट्री में विजिट करें और विजिट करके ही सामान लें, पहली बार जो अगर आपको सामान मंगाना है तो। और उसके बाद से आप कभी भी मंगाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार आप देख लेंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहता है। और अगर आपको ऐसे मंगाना है तो आप लोग या तो कंफर्म कर लिया करिए, हम लोगों से कंफर्म कर लिया कीजिए, या चाहे देख लिया कीजिए, नीचे में कमेंट वमेंट में भी आपको पता चल जाता है कैसा है दुकानदार है क्या है, तो उस तरह से भी पता चल जाता है। और ज़्यादातर कोशिश करें कि नंबर है आप लोग कन्फर्म कर लिया कीजिए, तो हम लोग खुद बता देंगे नहीं ये सही आदमी है या फिर नहीं, क्योंकि हम लोग को भी नॉलेज हो जाता है कौन आदमी सही है कौन आदमी खराब है, ये भी लमसम से पता चल जाता है। लेकिन हम लोगों का काम है वीडियो बनाना और हम लोग बनाएंगे, चाहे कोई भी आपको बुलाए तो दोस्तों बनाना ही है, हम लोग को चैनल चलाना है, तो कोई भी वीडियो बन, चाहे हम बनाएं, चाहे फैज भाई करके हैं हमारे यूट्यूबर मित्र हैं वो भी बनाते हैं, चाहे SSB ब्लॉग करके हैं, सभी लोग वीडियो बनाते हैं, सभी लोगों का ही काम है, तो वीडियो हम लोग को बनाना काम है तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप लोगों का काम यह है कि आप लोग अच्छे से देखें समझें तभी सामान लें, नहीं तो आप लोग फंसेंगे तो फिर दिक्कत आप ही लोगों को होगा, हम लोगों को कुछ नहीं होगा उसमें। तो कभी भी आपको सामान लेना है तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जा करके लें या फिर आप फ़ोन करके बात कंफर्म कर लें तब लें, ठीक है। और जो अगर हम लोगों के माध्यम से भी अगर आप जाते हैं तो हम लोगों को क्या दुकानदार दे देगा, कुछ नहीं देगा, बहुत करेगा तो उसको जो अगर हम 2-4 दुकानदार देंगे तो 500 रुपया दे देगा चाहे 1,000 रुपया दे देगा, एक बार के लिए ही करेगा, लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। और अगर आप हमारे माध्यम से जाते हैं तो आपका पैसा सेफ रहेगा, आपसे 1 रुपये का भी वो फ्रॉड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि वो आपके साथ फ्रॉड करेगा तो बीच में हम हैं, उसको क्या करेंगे, सब उसको पता है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ आपको करना है, इलेक्ट्रिक दुकान से सामान मंगाना है, कहीं से भी मंगाना है, तो एक बार आप लोग पूछ लिया कीजिए या आप जा करके विजिट करके लीजिए। आप वहाँ जो अगर दुकान पर विजिट करके लेंगे तो आपके लिए भी सेफ रहेगा और आपके कारोबार के लिए भी सेफ रहेगा और उस दुकानदार के लिए भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो यही कहना था दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू कोई आपसे फ्रॉड करे और आपका कोई पैसा लूटे, इसलिए वीडियो बनाए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।